एंटीसिपेटेड T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन आज खत्म हो गया है और आज से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। लेकिन वो मुकाबला जिसका सारे इंडियंस को बेसब्री से इंतजार रहेगा वो 9 जून को न्यूयॉर्क में होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की। बट क्या आप जानते हैं ये हाईली एंटीसिपेटेड मैच आपको दो बार देखने को मिल सकता है और इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हाय, मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं क्रिक स्कूप। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज किसी भी बायलेटरल सीरीज में साथ में नहीं खेलती हैं। ये बस ICC टूर्नामेंट्स में ही एक दूसरे से भिड़ती हैं और इसीलिए मुकाबला मच अवेटेड एंड स्पेशल है। ये दोनों ही कंट्रीज इस टूर्नामेंट में एक ही ग्रुप में हैं और दोनों ही कंट्रीज को टॉप 2 फिनिश चाहिए ताकि वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर सके। अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, कनाडा, आयरलैंड और USA भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द लीग स्टेज चांसेस ये भी है कि ये दोनों राइवल्स एक दूसरे को सेमीफाइनल्स या फिर फाइनल्स में फेस करेंगे। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएं। अब मैं आपको सिनेरियो समझाने जा रही हूँ कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का दोबारा मुकाबला हो सेमीफाइनल्स में। दरअसल 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं A, B, C एंड D और इंडिया और पाकिस्तान भले ही एक ग्रुप में है लेकिन सुपर 8 में ये दोनों ही टीम सेपरेट ग्रुप में प्लेस हो जाएंगी और जो टीम ग्रुप ए एंड ग्रुप सी की विनर होंगी उनको एक साथ पेयर्ड अप किया जाएगा अलोंग विद द रनर अप्स ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप डी। सिमिलरली जो ग्रुप बी और ग्रुप डी के विनर होंगे उनको भी एक साथ प्लेस किया जाएगा अलोंग विद द रनर अप्स ऑफ ग्रुप ए एंड सी और इसीलिए चांसेस हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अगर दोनों ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाए तो इनके बीच फिर से मुकाबला हो सकता है। सोचिए अगर ये सच में पॉसिबल हो जाए तो कितना मजा आएगा इन दोनों राइवल्स को फिर से भिड़ते हुए देखकर। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों को दोबारा एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए देखने के लिए। अगर आप भी यही चाहते हैं तो हमें बताइए कमेंट के जरिए और मैं आगे भी इसी चैनल पर ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूंगी, इसलिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले और हाँ, जब इतना सब कुछ कर ही दिया है तो फिर लाइक भी कर दे।